अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा रिस्क जॉब्स। 233 से ज़्यादा जॉब्स आए हैं। अगर आप किपी के से बिलोंग करते हो तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सारा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है और कौन कौन सी जॉब्स है। सारा मैं एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो। हम डेली बेसिस आप लोगों के साथ जॉब और टेक्नोलॉजीज के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 233 से ज़्यादा जॉब्स आई हैं। आपने OTS में जाना है, एक न्यू प्रोजेक्ट आया है, इसमें आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट 14 यानी है 14 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है अगर आपने अप्लाई करना है तो। अभी आप देखो रनिंग प्रोजेक्ट ये है, अभी जो प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं तो देखो इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज यानी खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हो यानी BPS 18 से लेकर यानी 8 तक है तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। यहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। बैंक का तकरीबन 465 इसकी प्राइस है, आपने जमा करना है। ये देखो दोस्तों, अभी आप देखो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, तो सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है कि आपने डाउनलोड किस तरह करना है। ये प्रोजेक्ट देखो, इसके बाद टाइप देखो, लास्ट डेट इसका क्या है, 14 यानी 14/2/2019। तो ये सारा डिटेल है, सारा जॉब से आप जिसकी भी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हो या जो भी आप मैचिंग करते हैं आपकी एजुकेशन के हवाले से, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किस तरह करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये तकरीबन दो अभी देखो रजिस्टर्स एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है। अभी आप देखो दोस्तों कि इसमें दो सीट्स है यानी दो पोस्ट है और दो पाँच दो, ये सारे मैंने कैलकुलेट किया था तो 233 जॉब्स आते हैं। अभी आप देखो 70 जॉब्स इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 70 जॉब्स हैं। इसके साथ साथ फायर रेस्क्यू 35 जॉब्स हैं। और इसी तरह से आप जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर डिटेल लिखा है, यहाँ से आप डिटेल को देख सकते हो। यहाँ से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इधर BPS भी लिख लिया। तो ये था दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद ये देखो दोस्तों, आपको एक ये इस फॉर्म को फिल करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, HBL में भी आप यूज़ कर सकते हो यानी HBL में भी जमा कर सकते हो, ABL और इसी तरह से अल्फ़ाला बैंक, ये तीनों। आप जहाँ से भी टेस्ट देना चाहते हो यहाँ से भी आप टेस्ट अटेस्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पर तस्वीर लगाना है, उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, और लास्ट में अभी आप देखो इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है OTS के ज़रिए या जो भी आपने जो भी क्वेरी सर्विसेज जो है उसमें आप सेंड कर सकते हो। अभी आप देखो इसका 18 का जो है 550 है, लेकिन अगर मैं आप लोग को ये 18 का पीस जो है 550 है, लेकिन अगर आप कोई और जॉब्स 15, 16, 17 इसका पीस बहुत कम है। यहाँ से आप देख सकते हो सारा डिटेल, जो भी पीस आप जमा कर सकते हो यहाँ पर आप जमा कर सकते हो। इसमें ये देखो 465, 465 से एलाइड बैंक है। आप एलाइड बैंक में भी अल्फला बैंक अल्फला और इसी तरह HBL में भी आप जमा कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन हम मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।